हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कोल्हापुर महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। जानेंगे इस ट्रेन की पूरी जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों, महाराष्ट्र के श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनस से चलकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका कि ट्रेन नंबर है 12147। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होती हुई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाती है, जो कि अपनी पूरी रेल यात्रा 1915 किलोमीटर को तय करती है लगभग 32 घंटे और 40 मिनट में। इस दौरान यह ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और यह ट्रेन एक साप्ताहिक ट्रेन है, जो हर मंगलवार को कोल्हापुर से खुलकर हर बुधवार को निजामुद्दीन में पहुंचती है। बीच में यह ट्रेन 18 स्टेशनों पर अपना ठहराव लेती है और यह एक सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है, जो कि कोल्हापुर अहमदाबाद ट्रेन के साथ अपने रेक शेयरिंग करती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो फिलहाल तो इसमें ICF श्रेणी के कोच चलते हैं, जिसमें AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर और सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। और अगर हम कोल्हापुर से निजामुद्दीन तक इन सभी कोचेस के किराए की बात करें तो इसमें AC 2 टायर के कोच का किराया रहता है 2885 रुपए, AC 3 टायर का किराया रहता है 2000 रुपए, स्लीपर का जो किराया रहता है वो रहता है 765 रुपए और सेकंड सीटिंग का जो किराया रहता है वो रहता है 470 रुपए। इस किराए में GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस्ट फेयर चार्ज शामिल रहता है, परंतु यात्रा से पूर्व इसे जांचना भी आवश्यक है क्योंकि त्रुटि हो सकती है। इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं रहता, परंतु ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग आपको इसमें मिल जाएगी। इस ट्रेन को भुसावल या गाजियाबाद लोको शहर का Web 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर से निजामुद्दीन तक जाने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर मंगलवार को कोल्हापुर SC SMT रेलवे स्टेशन से सुबह 9:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। और दोस्तों, कोल्हापुर से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है मीरज जंक्शन। सुबह के 10:15 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 10:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, अगर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है संगोली सुबह के 10:32 पर और 10:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, अगर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कराड़ सुबह के 11:37 पर और 11:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, अगर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सातारा दोपहर के 12:37 पर और 12:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, अगर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है पुणे जंक्शन। दोपहर के 3:55 पर यह ट्रेन पहुंचती है पुणे जंक्शन और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:10 पर यह ट्रेन पुणे जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन का लोको रिवर्सल डायरेक्शन में लगता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दौंड कार्ड लाइन शाम के 5:18 पर और 5:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अहमदनगर जंक्शन शाम के 6:47 पर और 6:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बेलापुर शाम के 7:50 पर और 7:52 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोपरगांव रात के 8:30 पर और 8:33 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मनमाड़ जंक्शन रात के 9:50 पर और 9:55 पर यह ट्रेन मनमाड़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है।
यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 635 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भुसावल जंक्शन रात के 12:15 पर, और 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के खंडवा जंक्शन में रात के 2:22 पर, और 2:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन सुबह के 4:35 पर, और 4:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन सुबह के 6:25 पर, और 6:35 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन सुबह के 8:45 पर, और 8:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर झांसी जंक्शन सुबह के 10:50 पर, और करीबन 8 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 10:58 पर यह ट्रेन झांसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1509 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ग्वालियर जंक्शन दोपहर के 12:10 पर, और 12:11 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट में दोपहर के 2:35 पर, और 2:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन दोपहर के 3:25 पर, और 3:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन। शाम के 5:50 पर यह ट्रेन पहुंचती है हजरत निजामुद्दीन में, और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1915 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी कोल्हापुर महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली के निजामुद्दीन तक जाने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।